सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। राजधानी दिल्ली में जयपुर को प्रभावित करने वाले रेगिस्तानी टिड्डों का झुंड बढ़ सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हवा की गति इन टिड्डियों के लिए अनुकूल रहती है तो इनका झुंड तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ सकता है। इसे लेकर राजधानी में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि टिड्डियों से इस वक्त गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य में प्रभावित हैं। आमतौर पर रेगिस्तानी टिड्डे जून से नवंबर महीने के बीच पश्चिमी राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य में देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें अप्रैल महीने में देखा जा रहा है। आमतौर पर टिड्डे एकांत में या फिर छोटे समूह में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका झुंड असामान्य है। एंटोमोलॉजिस्ट का कहना है कि शहर क्षेत्र होने के बाद भी टिड्डियों के झुंड से दिल्ली काफी प्रभावित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली का 22% क्षेत्र ग्रीन कवर होने की वजह से टिड्डियों का खुराक बन सकता है। दिल्ली में इससे काफी नुकसान हो सकता है। टिड्डों का झुंड रेगिस्तान में सर्दियों के बाद भोजन की कमी की वजह से बाहर आए हैं। जयपुर में हरे भरे स्थान हैं, जिनमें पार्क भी शामिल है, जहां पर इन्हें खुराक मिल सकती है। उन्होंने कहा कि टिड्डों के झुंड से दिल्ली के हरे भरे स्थान काफी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।